हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, जिसका नाम है बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा नया टेक्निक है, ठीक है, ये सॉल्व करने का, क्वांटाइजेशन का। तो हमें पता है क्या ये एक्चुअली बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन बोलता क्या है। ठीक है, ये बोलता है कि हमारा किसी भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो एक्शन है विल बी इक्वल टू सम विल बी इक्वल टू सम इंटीग्रल ऑफ एच कट। यानी कि क्या कि ये इसको लिखेंगे तो कैसा आएगा, ये बेसिकली ये इक्वेशन फॉर्मेट में ये है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बोर सोमरफेल्ड इक्वेशन। ये जो है ये मोमेंटम है, और ये और ये डीएक्स जो है बेसिकली पोजिशन है। ठीक है, वो बेसिकली तुम्हारा ओ यहाँ इस बेसिकली या जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो चीज है ये हमेशा होगा इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच कट। दिस इज व्हाट इज नोन एज बोर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन, जो थ्योरी जो क्वांटाइजेशन रूल है। ठीक है, अभी ये जो चीज है ये क्या है इन द अगर ये पी डी एक्स जो है ये क्या है, इट्स सम एरिया। ठीक है, और ये एरिया जो है ये क्या है, अगर हम फेस स्पेस इज इक्वल टू सम एरिया इन फेस स्पेस, राइट। उसके फेस स्पेस में क्या होता है, मोमेंटम होता है और पोजीशंस होते हैं, राइट। मोमेंटम और उसके पोजीशंस वही होते हैं फेस स्पेस में। तो ये क्या होगा, एक छोटा सा एरिया होगा, राइट। अगर ये चीज सिर्फ इस टाइप के वैल्यूज ले सकते हैं तो यानी कि क्या होगा, क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिया है उस फेस स्पेस का वो भी क्वांटाइज है। ठीक है, हम मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, ये वैल्यू हमारा जो एरिया है फेस स्पेस का वो क्वांटाइज है। दिस इज व्हाट द सोमरफेल्ड इज जो क्वांटाइजेशन है वो यही बोलता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम इसको यूज करके हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं पहले, बस सबसे सिंपल केस, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है कि हमारा एनर्जी क्या होता है, वो होता है ई इंटू पी कोमा क्यू, राइट, जो कि विच इज पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस के 2/2 q2। ये चीज अगर इन को हम इधर लेके आ जाएंगे और हमेशा इसे देखेंगे तो ये बेसिकली कुछ नहीं, एक इलिप्स का इक्वेशन है जो कि इस फॉर्मेट में आ जाता है, 2me प्लस के 2eu² इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम इलिप्स का इक्वेशन से कंसिडर करेंगे तो हमें क्या आता है कि ये जो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2me। अब 2e/k, ठीक है, दिस आर द टू बेसिकली ए एंड बी वैल्यू। अभी क्या है कि अगर हम इसको यही अगर हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज का एरिया चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो है क्लोज इंटीग्रल। ये क्या है, हमारे पास एक सिंपल एरिया है फेस स्पेस का, और हमारे वो फेस स्पेस हमारा कैसा है, वो इलिप्स, बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट का रीजन क्या है वो एक इलिप्स है, और हमें इलिप्स का एरिया का वैल्यू पता है वो जिस पाई ए बी। तो इसको अगर हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 2e into m/k, राइट। अभी भाई बोस क्वांटाइजेशन रूल हमें क्या पता है कि ये चीज जो है वो एन एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो उससे हम अगर हम इसका अगर ये अगर एन एच के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या होता है कि e जो होगा वो एन एच बाई पाई टू पाई टंडर m/k। ठीक, अब की एम बाई के क्या है, ये एम बाई के, ये जो एम बाई के है ये क्या है, ये एम बाई के इज ओमेगा, राइट, इट्स इज ओमेगा, इट्स एम बाई के इज 1/ओमेगा, सो इट्स 2π/ओमेगा, सो एन एच इज 2π/ओमेगा। और ये चीज क्या है, इट्स 1/ν, राइट, तो ये हो जाएगा एन एच बाई न्यू। तो ये हमारा ई जो है वो इक्वल टू एन एच एन एच न्यू हो जाता है, यानी कि टोटल एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वांटाइज है और वो इस फॉर्मेट के वैल्यूज पे जाएगा। ये हमने ऐसे देख लिए, तो हमने ऐसे एक सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि यूजिंग बोस क्वांटाइजेशन रूल क्या है। पर ये सिर्फ इतना नहीं है, एक और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता है हमें, इसी चीज को थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करेंगे और एक चीज थोड़ा नोटिस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स जो है, पी डी एक्स जो है ये अगर हमारे पास एन एच के इक्वल होगा, पर हम क्या करते हैं कि यहाँ एच को लेफ्ट साइड में लेके जाए तो क्या आएगा, पी बाई एच ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक
ठीक है। तो ये भाई एक्चुअली हमने पहले कहीं कहीं पढ़ा है, कुछ सुना है ये। तो अगर आपको याद होगा इसे ये जो चीज है इसको कहते हैं वो या डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, राइट। आई थिंक इट्स वन या लैम्डा, हाँ जस्ट अ सेकेंड। यस सो दिस थिंग, सो ये जो चीज है ये अकॉर्डिंग टू या डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, राइट। हाँ तो इसका मतलब ये होगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एन बाई लैम्डा, ठीक है। मैंने बस थोड़ा इधर उधर कर दिया। तो इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो एनर्जीज है ये सारे स्टेशनरी से एनर्जीज है, और इसका पाथ जो है बेसिकली ये जो सोमरफिल्ड इक्वेशन जो हमें पाथ मिल रहा है वो पाथ विल बी सम इंटी या विल बी सम इन या इंटीजर या नंबर्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, सोचना इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, समझ आया होगा तो भाई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।